नमस्कार, मैं रजनी चौधरी। नीम का थाना बहुचर्चित दुल्हा दुल्हन फायरिंग कांड में 3 आरोपियों की हुई जमानत याचिका खारिज। अब कुछ दिनों पूर्व पिछले 11 दिसंबर को शादी के बाद जब दुल्हन दूल्हा विदा होकर गाड़ी से घर जा रहे थे तो रास्ते में एक सिरफिरे आसिक इंद्राज गुर्जर ने दुल्हन दूल्हा की कार पर गोली चला दी थी, जिसके बाद दुल्हन दूल्हा घायल हो गए, उन्हें जयपुर रेफर किया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया था एवं न्याय की मांग की थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 9 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हर्ष कुमार सेनी ने बताया कि दुल्हन दूल्हा फायरिंग घटना में 2 दिन पूर्व आरोपी कुंडाला निवासी राहुल गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, सुनील गुर्जर ने ADJ कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश गोविंद वल्लभ पंत ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दुल्हन दूल्हा गोली कांड करने की ऐसी घटनाओं से समाज में आने वाली पीढ़ी पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307 एवं अन्य आमर्थ एक्टों का गंभीर आरोप होने के कारण 3 द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आप देख रहे हैं नीम का थाना ताजा समाचार। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन दबाएं और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।